आज हम डिस्कस करने वाले हैं सी ए इंटरमीडिएट का न्यू सिलेबस का पेपर 8, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स करके जो पेपर है उसमें से आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पोर्शन, जो प्रैक्टिकल पोर्शन है। तो ये जो पेपर था उसके हर एक क्वेश्चन उसके सॉल्यूशन के साथ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1A। दिस इज फ्रॉम द टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग। इसमें हमें डिसीजन लेना है कि हम फंड कहां से रेज करें, वेदर वी शुड बी बोरोइंग बाय डेप्ट और बाय इक्विटी, या कौन से प्रपोर्शन में डेप्ट होना चाहिए, कौन से प्रपोर्शन में इक्विटी होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग हमको डिसीजन लेना है। कंपनी का रिक्वायरमेंट 50 लाख रुपए का है एंड ये प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपए का EBIT होगा दैट दे आर एक्सपेक्टिंग, एंड उनका ऑब्जेक्टिव EPS मैक्सिमाइज करना, दैट मीन्स वी हैव टू सिलेक्ट दैट प्लान इन विच EPS इज मैक्सिमम। एक ऑप्शन है हमारे पास 5 लाख का डेप्ट लेने का और दूसरा ऑप्शन हमारे पास 20 लाख का डेप्ट लेने का। अगर हम 5 लाख का ऑप्शन 1 5 लाख का डेप्ट, ऑप्शन 2 20 लाख का डेप्ट, अगर 5 लाख का डेप्ट हम लेते हैं तो इक्विटी 45 लाख लेना पड़ेगा बिकॉज टोटल रिक्वायरमेंट इज 50 लाख, और अगर 20 लाख का डेप्ट लेते हैं तो इक्विटी 30 लाख का रेज करना पड़ेगा एज द टोटल रिक्वायरमेंट इज 50 लाख। फाइन, और हमें दिया हुआ है कि करंट सेलिंग प्राइस 300 है कंपनी का एंड इट विल डिक्लाइन बाय 250 इफ द फंड्स बोरोड आर इन एक्सेस ऑफ 20 लाख। 20 लाख से ज्यादा बोरो करेंगे तो जो हमारा मार्केट प्राइस है वो 300 से 250 हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों ही स्थिति में 5 लाख और 20 लाख का जो डेप्ट ले रहे हैं किसी में भी 20 लाख से एक्सेस नहीं जा रहा है तो शेयर का प्राइस 300 ही रहेगा, 250 नहीं होगा। तो ये पॉइंट जो है वो स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज कर गया क्योंकि ये 250 वाले पॉइंट का कोई रिलेवेंस ही नहीं है एज द डेप्ट डज नॉट एक्सीड 20 लाख। नाउ व्हाई दिस इज सो, बिकॉज आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में एक सिमिलर क्वेश्चन है और वो सिमिलर क्वेश्चन में क्या परिस्थिति है, वहाँ पे 3 प्लान दिए हुए हैं और थर्ड प्लान में ऐसा हो रहा है कि 20 लाख से ज़्यादा डेप्ट हो रहा है। यहाँ पे 3 प्लान की जगह उन्होंने 2 प्लान दे दिए क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, बट सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का जो है उसमें 3 प्लान दिए हुए और वो थर्ड प्लान के अंदर 20 लाख से ज़्यादा एक्सीड हो रहा है तो उस स्थिति में शेयर प्राइस कम हो रहा है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, दोनों ही प्लान में डेप्ट डज नॉट एक्सीड 20 लाख, सो प्राइस विल रिमेन एट 300। फाइन, बोरोइंग करने जाएंगे तो 12% लगेगा बोरोइंग का रेट 5 लाख तक और 5 लाख से ऊपर 10%, ओवर 5 लाख इट विल बी 10%। टैक्स रेट इज 25%। फाइन, तो हमें डिसीजन लेना है कि 5 लाख का डेप्ट लें कि 20 लाख का डेप्ट लें। दैट मींस ये डिसीजन लेने में हमें देखना पड़ेगा कि EPS मैक्सिमम कहां हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले EBIT ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों में 10 लाख। पहले ऑप्शन 1 देख लेते हैं कि उसमें कितना EPS आ रहा है। EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, 5 लाख पे 12% 60,000, वी गेट EBT 9,40,000। टैक्स की इफेक्ट देने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वी आर हैविंग 7,05,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स वी गेट EPS। नाउ हाउ कम दिस नंबर ऑफ शेयर्स 15,000 कैसे आया, क्योंकि हमें 45 लाख रेज करना है और 45 लाख डिवाइड बाय 300 एक शेयर का प्राइस तो 15,000 शेयर इशू होंगे, सो नाउ द EPS इज 47। ऑप्शन 2 में देखें 10 लाख EBIT, इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो पहले 5 लाख पे 12% के हिसाब से 60,000 और 5 लाख के ऊपर बोरोइंग 15 लाख का हो रहा है, वो 15 लाख के ऊपर 10% 1.5 लाख, सो रेंज वाइज दिया हुआ है, पहले 5 लाख 10% और ऊपर जो 15 लाख हम बोरो करेंगे उस पर 12% और 10%, इस तरह से रेट दिया हुआ है। सो 2,10,000 माइनस करेंगे इंटरेस्ट वी गेट EBT 790, इसमें से माइनस करेंगे टैक्स वी गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स 10,000, 10,000 शेयर्स कहाँ से आए, अगेन इक्विटी 30 लाख एंड शेयर प्राइस जो है वो 300 का 300 डिवाइड करके हमको मिल रहा है 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स, सो वी गेट ईपीएस 59.25। सो वी आर हैविंग ईपीएस मैक्सिमम एट ऑप्शन टू, ऑप्शन टू में हमारा ईपीएस मैक्सिमाइज हो रहा है, सो वी विल गो विथ ऑप्शन टू। फाइन, वन ए के बाद है वन बी, दिस इज फ्रॉम डिविडेंड पॉलिसी, वी आर हैविंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 लाख, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 50%, नंबर ऑफ शेयर्स आर 50,000, सो ईपीएस हमें मिल जाएगा 10 लाख, अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर 50,000, 20 रुपया पर शेयर अर्निंग, और डिविडेंड पर शेयर कितना होगा, 20 रुपया मल्टीप्लाई बाय 50%, 10 रुपया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है, दैट इज के ई, इसको हम कहते हैं, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसको हम कहते हैं आर, वो भी दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड आउट द मार्केट वैल्यू पर शेयर एज पर वॉल्टर मॉडल, वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, डी दैट इज डिविडेंड पर शेयर प्लस आर अपॉन के ई मल्टीप्लाई बाय ई माइनस डी, E is EPS, D is dividend, R is return on investment and K is cost of equity. तो D available हमारे पास 10 रुपया, DPS 10 रुपया, R is 12%, that is 0.12 divided by 0.10 cost of equity multiplied with E minus D, E is 20 earning per share and D is 10 divided by cost of equity, we get the price 220. तो वॉल्टर मॉडल के हिसाब से प्राइस 220 मार्केट में होना चाहिए, ठीक है, ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एट पे आउट रेशियो, वॉल्टर के हिसाब से ज्यादा कितना डिविडेंड देना चाहिए था, व्हाट शुड हैव बीन द पे आउट रेशियो, वॉल्टर के हिसाब से पे आउट रेशियो तय करने के लिए हमें आर और के ई को कंपेयर करना है। If R is greater than KE, return on investment cost of equity से अगर ज़्यादा है, जैसे कि इस केस में है, तो उस केस में वॉल्टर कहता है कि हमें कुछ भी डिविडेंड नहीं देना चाहिए, 0% डिविडेंड। क्यों ऐसा? क्योंकि उसका मानना है कि अगर हम शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं, वो कहीं पैसे लगाते हैं, तो उनको 10% मिल रहा है, और पैसे हम हमारे पास ही रख रहे हैं और अपने कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम 12% कमा रहे हैं, तो हम शेयर होल्डर को ज्यादा कमा के दे रहे हैं, शेयर होल्डर 10% कमा रहे हैं, हम 12% कमा रहे हैं, तो हमें शेयर होल्डर को पैसे डिविडेंड नहीं देना चाहिए, ठीक है, वी शुड रिटेन इंटायर अमाउंट, ठीक है। तो 0% डिविडेंड एंड 100% व्हाट, रिटेंशन, ठीक है, ये पॉलिसी होगा। तो उस सेंस में हम देखें तो सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं जो अभी अप्लाई किया था, बट अभी डिविडेंड 0, आर अपॉन के, अर्निंग्स 20 माइनस डिविडेंड 0, तो ये करते हैं अगर, तो हमें शेयर प्राइस 240 मिल रहा है, पहले का शेयर प्राइस 220 था, नाउ इट हैज इंक्रीज टू 240, सो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो हियर इट इज 0% एंड प्राइस एट दिस पे आउट रेशियो इज 240। फाइन, now we have question 1c, this is on ratio analysis, we have gp ratio, np ratio, inventory holding period 3 months, yeah we can say inventory turnover ratio 4 times, 3 month ka collection period, yeah we can say debtors turnover 4 times, non-current asset to current liability, share capital to reserve and non-current asset at the end of the 2017, अभी हम खड़े हैं 2018 में,
17 में 50 लाख का था नॉन करंट एसेट, ओके। और हमें दिया हुआ है कि पूरे साल में नॉन करंट एसेट में कोई चेंज नहीं हुआ है, एज वेल एज डेप्रिशिएशन भी हमने चार्ज नहीं किया है और नहीं करना है। सो वी कैन से दिस ओपनिंग 50 लाख इज अवर क्लोजिंग 50 लाख। तो ईयर के एंड में भी हमारा नॉन करंट एसेट कितना होगा? 50 लाख ही होगा, फाइन। नाउ ऑन दैट बेसिस नॉन करंट एसेट को अगर यूज करते हैं तो वी गेट सेल्स, ठीक है। नॉन करंट एसेट टू सेल का रेशियो आप देख सकते हैं 1:4 है, मतलब कि नॉन करंट एसेट अगर 1 रुपया है तो सेल 4 रुपया है। तो नॉन करंट एसेट अगर 50 लाख है तो सेल कितना होगा? इट विल बी 200 लैक्स। देखो सेल का वर्किंग, इट इज 200 लैक्स। सेल अगर मिल जाता है तो जीपी रेशियो अवेलेबल है, सेल माइनस जीपी वी गेट सीओजीएस 150 लैक। जीपी रेशियो वी वर गिवन 20% ऑफ सेल्स, दैट मीन्स यहां पे 20% के हिसाब से ये आना चाहिए 160, ठीक है। तो सीओजीएस शुड बी 160, ये गलती से 25% ले लिया था, बट इट इज 20%, ठीक है ना। तो सीओजीएस मिल जाएगा, और हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो दिया है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें पता है कि सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, सो सीओजीएस वी हैव गॉट 160 एंड एवरेज इन्वेंट्री हमको निकालना है, ये है हमारा 4 times। सो एवरेज स्टॉक हमारा हो गया 40 लाख, ठीक है। ये पहले वाले फिगर से लिया था, 160 लाख लेके 40 लाख, फाइन। सो ये हमें मिल गया स्टॉक का फिगर, ये स्टॉक हम मान रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक ही है। वी आर अज्यूमिंग दैट ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, सो ओपनिंग क्लोजिंग एंड एवरेज सेम ही होगा। पूरे साल में स्टॉक में ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही हमको रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड दिया है या रिसीवेबल का रोटेशन पीरियड दिया है, तो उससे हमें डेटर का फिगर मिल जाएगा। वी कैन सी सेल को मल्टीप्लाई करके हमने डेटर का फिगर निकाल लिया 50 लाख का, ठीक है। अभी हमें निकालना क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें निकालनी है। सीओजीएस मिल गया हमको, नेट प्रॉफिट निकल सकता है क्योंकि इट इज़ 10% ऑफ सेल्स, तो सेल 200 लाख, उसका 10% हो गया 20 लाख, नेट प्रॉफिट मिल गया। इन्वेंट्री का वैल्यू मिल गया, रिसीवेबल का वैल्यू मिल गया, कैश का वैल्यू निकालना है अभी लास्ट आइटम। तो कैश हमें पता है कि करंट एसेट का पार्ट होता है, और करंट एसेट और नॉन करंट एसेट का रेशियो दिया हुआ है, इट इज़ 1:2, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट से करंट एसेट डबल है, 50 अगर नॉन करंट एसेट है तो करंट एसेट हो गया 100 लाख। करंट एसेट 100 लैक्स में स्टॉक की जो वैल्यू है इन्वेंट्री दैट इज 40, डेटर की जो वैल्यू है रिसीवेबल की वो है 50, और टोटल वैल्यू जो है वो 100। सो बैलेंसिंग कैश होगा दैट इज 10, सो 40 का स्टॉक, 50 का डेटर और बैलेंसिंग 10 लाख का कैश, ठीक है। कैश का फिगर मिल गया, फाइन। Then next question we have question 1D, ये sensitive analysis topic के ऊपर। हमें capital, this is extension of capital budgeting, capital budgeting में हम NPV निकाल लेते हैं, फिर वो NPV कितना sensitive है, कौन से factors की वजह से affect होगा, और प्रोजेक्ट के दरमियान हमें कौन से फैक्टर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा फैक्टर अगर वैरी हो जाएगा तो प्रोजेक्ट का एनपीवी जो है वो डगमगा जाएगा, उसके लिए पूरा का पूरा सेंसिटिव एनालिसिस किया जाता है। हमें 3 प्रोजेक्ट की बात कही है, 3 फैक्टर्स की बात करी है, इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट,
एनुअल कैश फ्लो एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये तीन फैक्टर को हमें ध्यान में रख के सेंसिटिव एनालिसिस करना है। इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट हमें 200 लाख मतलब 2 करोड़ दिया है, हर साल का कैश फ्लो हमें 60 लाख दिया है, प्रोजेक्ट का लाइफ 5 साल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। थ्री फैक्टर्स में से कौन सा सबसे सेंसिटिव है, मोस्ट सेंसिटिव, वो निकालना है। इफ द प्रोजेक्ट इज अफेक्टेड बाय 10% एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, फाइन। तो देखो, पहले तो हम नॉर्मल एनपीवी निकाल लेते हैं कि भाई 5 साल का हमारा पीरियड है और हर साल का कैश फ्लो 60 लाख है, और वो कैश फ्लो को क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% से अगर लेते हैं तो हमें मिल रहा है 2,27,46,000 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है वो 200 लाख का है। ये माइनस करेंगे तो एनपीवी मिल गया हमको 27,46,000 का, फाइन, दैट मीन्स 27.46 लाख। ये बेसिक एनपीवी हमको मिल गया जो हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है। नाउ वन बाय वन हर फैक्टर में हम 10% एडवर्स इफेक्ट देते हैं, उसकी वजह से एनपीवी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमको निकालना है। सबसे पहले इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट को हम 10% एडवर्स इफेक्ट देंगे तो वो 10% बढ़ जाएगा, सो एनपीवी क्या हो जाएगा, कैश इनफ्लो हमारा उतना ही रहेगा, कैश आउटफ्लो जो है वो 10% इंक्रीज कर रहे हैं जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो 200 लाख की जगह वो 220 लाख हो गया और अब हमारा एनपीवी 7,46,000 हो गया। 27,46,000 से 746, 20 लाख का चेंज आया, कितने परसेंटेज चेंज आया, 72.83% चेंज आया। सो हमारा इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट 10% बढ़ा तो एनपीवी हमारा घटा, कितने परसेंटेज घटा, 72% घटा। सेकेंड फैक्टर है हमारा एनुअल कैश फ्लो, अगर कैश इनफ्लो में इफेक्ट देना है तो हमें एडवर्स इफेक्ट कैसे आएगा, 10% कैश फ्लो घटा देंगे। तो अभी हमारा कैश फ्लो 60 लाख है एनुअली, अब वो हो जाएगा 10% कम, दैट इज 54 लाख, ऑल अदर फैक्टर्स विल रिमेन सेम। सो 10% रिड्यूस करेंगे 54 लाख, 5 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रोजेक्ट का कॉस्ट माइनस करेंगे तो अभी एनपीवी आ रहा है 4,71,000। तो ओरिजिनली अवर एनपीवी वॉज 27,46,000, वहां से कम होके आ गया 4,71,000, सो रिडक्शन ऑफ 22,75,000। परसेंटेज टर्म्स में रिडक्शन कहें तो 82.8% जितना रिडक्शन आया, ठीक है। एंड लास्ट फैक्टर हमें चेंज करने का बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो अभी 10% है उसमें 10% बढ़ाना है, मतलब इसका 10% दैट विल बी 1%, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम 1% बढ़ाएंगे, सो नाउ इट विल बी 11%, बाकी सारे फैक्टर सेम। सो कैश फ्लो 60 लाख का 60 लाख, डिस्काउंटिंग फैक्टर 11% लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रोजेक्ट का कॉस्ट उतना ही 200 लाख, वी गेट एनपीवी, तो 27,46,000 ओरिजिनल एनपीवी से हो गया 21,76,000, तो रिडक्शन जो आया एनपीवी में वो है 20.76%। सी, पहला जो फैक्टर था हमारा इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट, वो 10% हमने बढ़ाया, एडवर्स इफेक्ट दिया, तो 72% एनपीवी नीचे आया। एनुअल कैश फ्लो 10% हमने एडवर्स इफेक्ट किया तो एनपीवी 82% नीचे आया, और जबकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 10% एडवर्स इफेक्ट दिया तो वो 20% नीचे आया। तो वी कैन से मोस्ट सेंसिटिव जो फैक्टर है हमारा वो है एनुअल कैश फ्लो, उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है तो एनपीवी में बहुत चेंज आ जाता है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा लीस्ट सेंसिटिव है, एनुअल कैश फ्लो हमारा मोस्ट सेंसिटिव है, ठीक है। तो पूरे प्रोजेक्ट के दरमियान हमको ये ध्यान रखना है कि एनुअल कैश फ्लो हमारा चेंज ना हो और वो उतना ही मिले, अदरवाइज हमारी एनपीवी बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो जाएगी। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, लिवरेज टॉपिक में से है ये क्वेश्चन। We are given information regarding shareholders fund,
नॉन करंट लायबिलिटी में डिबेंचर दिया हुआ है 12% डिबेंचर 50 लाख, जिसमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा होगा. करंट लायबिलिटी इज देयर, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट. वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स. फिक्स कॉस्ट हमें दिया हुआ 20 लाख. टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स. सो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो से हमें सेल का फिगर मिल जाएगा, बिकॉज 1 करोड़ का अगर टोटल एसेट है तो सेल जो है वो 5 करोड़ का होगा, बिकॉज टोटल एसेट टर्नओवर इज सेल्स अपॉन टोटल एसेट. दिस इज 5, सो सेल्स इज 5 करोड़ या 500 लाख. फाइन. On this information, we have to prepare income statement. Fine. Income statement. We can see. यहाँ पे बहुत सारे zeros में बनाया हुआ है. मैं ये lakhs में बना देता हूँ. Figures in lakhs. So sale हमारा 500 lakhs. We are given. Variable cost as 60%. Sale minus variable cost 60%. 300 lakhs. सो 200 लाख हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन. कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट, सॉरी फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट इज 20, सो 180 लाख इज अवर ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. इंटरेस्ट का फिगर जो है वो 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 12%, दैट मीन्स 6 लाख, वो माइनस करेंगे. We'll be getting 174 lakhs. This is our profit before tax. Tax minus karenge 25%. That is 43.5. We get 130.5 as our profit after tax. So sales minus variable cost, we get contribution, minus fixed cost, we get EBIT, minus interest, we get EBT, minus tax, we get profit after tax. अब ये डेटा पीस से हमें निकालना है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज. ऑपरेटिंग लिवरेज इज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT 200 अपॉन 180. So it is 1.1111. DFL is EBIT upon EBT. So EBIT 180 upon EBT 174. So we get DFL. And DCL, hum DOL or DFL, operating leverage or financial leverage ko multiply karke bhi hum nikal sakte hain combined leverage. या फिर हम ले सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी. ठीक है, सो कॉन्ट्रीब्यूशन 200 अपॉन ईबीटी 174, वी गेट कंबाइंड लिवरेज. ठीक है, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ लिवरेज. नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3, कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन. कंपनी इज एग्जिस्टिंग कंपनी, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है. लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोडक्ट इज 8 ईयर्स. प्रोजेक्ट का कॉस्ट 2 करोड़ 40 लाख. 8 साल के बाद कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं. वर्किंग कैपिटल 30 लाख विल बी नीडेड. तो हम मान रहे हैं कि ये 2 करोड़ 40 लाख जो है वो फिक्स एसेट का कॉस्ट है और 30 लाख वर्किंग कैपिटल में एडिशनली लगेगा. दैट मींस इनिशियली हमको डालना पड़ेगा 240 लाख प्लस 30 लाख, 270 लाख. ओके, प्रोजेक्ट का 100% कैपेसिटी 2 लाख यूनिट का है एंड प्रोडक्शन एंड सेल वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 8 साल का, 1, 2 एंड 3 टू 5 ईयर्स एंड 6 टू 8 ईयर्स. नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगे वो अवेलेबल है. सेल प्राइस पर यूनिट अवेलेबल है. वेरिएबल कॉस्ट इज 40% ऑफ सेल. फिक्स कॉस्ट हर साल का 30 लाख है.
एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर एवरी ईयर का दिया हुआ है. इनकम टैक्सेस 25%. SLM method we will be using for tax purpose. Cost of capital 10% and loss cannot be carried forward. Loss हमें carry forward नहीं करना है या नहीं कर पाएंगे, but loss set off हो पाएगा because it is existing company and it must be having existing profits. जिसके सामने हम अगर current product में loss होता है तो वो loss set off कर सकते हैं, ठीक है. So let's see. प्रोजेक्ट में इनिशियली कितना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, 240 लाख फिक्स एसेट में और 30 लाख वर्किंग कैपिटल, 270 लाख का इन्वेस्टमेंट. डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, डेप्रिसिएशन सिर्फ फिक्स एसेट में हम ले रहे हैं 240 लाख में ले रहे हैं, 8 साल में उसको डिवाइड कर रहे हैं तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन 30 लाख. जब प्रोजेक्ट खत्म होगा तब हमें क्या कैश फ्लो मिलेगा, क्या टर्मिनल वैल्यू मिलेगा. फिक्स एसेट में कुछ नहीं दिया है तो उसका टर्मिनल वैल्यू इज जीरो, बट वर्किंग कैपिटल हम मानते हैं कि वो तो 100% रिलीज हो जाएगा. जितना वर्किंग कैपिटल में पैसा डालते हैं वो प्रोजेक्ट के पूरा होने पे रिलीज हो जाता है, तो आठवें साल में हमको ये 30 लाख का वर्किंग कैपिटल वापस मिल जाएगा. अब हम हर साल का ईयर 1 to 8 हमारा कैश फ्लो क्या होगा, कितना कैश आएगा वो निकाल रहे हैं ईयर वाइज. ईयर वन में सी फिगर्स वी आर टेकिंग इन लैक्स, तो 60,000 यूनिट्स की जगह हम लेंगे 0.6 यूनिट, और सेल वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ यूनिट मल्टीप्लाइड विथ सेल प्राइस पर यूनिट. सो 200 विल बी मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ यूनिट्स, सो वी गेट 120, 160, 280, 240. ये कैसे निकाला है, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस पर यूनिट. इसमें से माइनस कर दिया हमने वेरिएबल कॉस्ट, सो वी हैव गॉट कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन में से माइनस किया हमने फिक्स कॉस्ट हर साल का 30 लाख, डेप्रिसिएशन हर साल का 30 लाख, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का खर्चा वेरी कर रहा है, पहले साल 50 लाख फिर 25 लाख फिर 3 to 5 ईयर्स 10 लाख एंड देन 5 लाख, तो दैट वी हैव टेकन 50, 25, 10, 5. ये सब माइनस करेंगे अगर विल बी गेटिंग, दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स. कॉन्ट्रीब्यूशन में से ये तीनों आइटम माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट डेप्रिसिएशन एडवर्टीजमेंट, विल बी गेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ईयर वन में हमें लॉस आ रहा है 38 का, ये 38 के लॉस की वजह से हमें टैक्स एडवांटेज हो जाएगा क्योंकि दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उसके प्रॉफिट के सामने ये लॉस सेट ऑफ हो जाएगा, तो हमें दूसरे प्रोडक्ट्स में टैक्स कम भरना पड़ेगा तो हमारा लॉस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. तो लॉस हमारा 38 का है उसकी वजह से टैक्स सेविंग 25% हो जाएगी, दैट इज 9.5. सो नेट लॉस जो हमारा होगा आफ्टर टैक्स इज 28.5, सो दैट वी हैव टेकन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है. एंड ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस हमने किया था टैक्स के एंगल से, डेप्रिसिएशन टैक्स डिडक्टिबल है इसलिए, बाकी डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश आइटम है, तो यहाँ माइनस किया टैक्स के वजह से और एंड में हमने टैक्स निकालने के बाद प्लस कर दिया, पहले माइनस फिर प्लस, सो वी गेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स पर एनम. ऐसा हमने हर साल का कैलकुलेशन करा है, ठीक है, फाइन. सो वी आर गेटिंग द कैश फ्लो ऑफ ईच ईयर. ये कैश फ्लो हम एनपीवी का टेबल बना लेते हैं. ईयर वन का कैश फ्लो है हमारे पास, ईयर टू, ईयर 3 to 5, ईयर 6 to 8 एंड 8th ईयर में हमें कैश फ्लो मिल जाएगा 30 का, दैट इज वर्किंग कैपिटल का जो पैसा रिलीज हो रहा है वो. डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% दिया है, वो 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू. ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो होगा, इसमें से माइनस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, मतलब कि इनिशियल जो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ वो
विच इज 270 लाख, तो हमें मिल जाएगा एनपीवी। ये जो वैल्यू हुआ हमारा, ये टोटल कर लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का 1.3635 प्लस 3.31.5945 233. सो इट कम्स टू 418.68, और इसमें से माइनस कर देंगे 270, विल बी गेटिंग 148.68 एनपीवी। सो एनपीवी पॉजिटिव है, मतलब कि प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, दिस प्रोजेक्ट इज वायबल फॉर द कंपनी। फाइन।